कश्मीरी वादियों के बीच बसे हिंदुओं के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर से डरी सहमी और दर्द में कांपती कुछ आवाज़ें आ रही थीं। गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक जहां मंदिर के पुजारी रहते थे, उस रास्ते पर जंग खाई तलवारें और चाकू पड़े हुए थे। खून से सने ये हथियार अभी कुछ घंटों पहले किसी जवान के सीने के आर पार होकर आए थे या किसी उठने में असमर्थ बुजुर्ग के गले को रेत कर लाल हुए थे। इसी रास्ते के बीच कीचड़ में एक मानव शरीर ऐसे पड़ा हुआ था मानो उसकी मौत दुनिया की शायद आखिरी मौत हो, क्योंकि इसकी मौत पर रोने वाला हर शख्स भी इसी की तरह मारा गया था। छोटी सी उस गली के ऊपर छज्जे पर एक महिला की लाश टंगी हुई थी, जिसके बालों से टपकता खून नीचे पड़े पत्थरों को लाल कर रहा था। गली में ही एक घर का मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया गया था और उस घर के आंगन का मंजर साफ नज़र आ रहा था। आंगन में पड़ी टूटी चारपाई पर एक बुजुर्ग महिला का सिर टिका हुआ था और धड़ से निकलते खून ने फर्श की दरारों में नाली बना ली थी, जो जाकर सीधे दरवाजों की चौखट पर जमा हो रहा था। आंगन में रखे अनाज के बोरे लाल थे। लगता था जैसे इस बार खेतों में लहू पैदा हुआ हो। उसी गांव में कुछ घंटे पहले हत्यारों ने मंदिर के पीछे रखे लकड़ियों के बाड़े में आग लगा दी थी और उसी आग के बीच मंदिर ऐसे जल रहा था मानो शमशान में एक साथ पूरे गाँव के लोगों को आग लगा दी गई हो। आग की इन्हीं लपटों के बीच अल्लाहु अकबर जैसे शब्दों का उद्घोष किसी युद्ध में प्राप्त हुई विजय की तरह किया जा रहा था। गांव में बसे जिन मुसलमानों को हिंदू अपना भाई बुलाते थे, उन्होंने भी दूसरे गांव से आए मुसलमानों के साथ मिलकर खूब नारे लगाए, घरों में घुसकर लूटपाट की, हत्याएं की और जिन बेटियों की इज्जत करने का ढोंग करते थे उनके साथ बलात्कार किए। जब गाँव में कोई भी जिंदा नहीं बचा तो हिंदुओं के घरों पर कब्जा कर लिया गया और आग लगने से कमज़ोर हुई मंदिर की दीवारों को ढाकर हरे रंग से सजी नई मस्जिद बनवाई गई और इस तरह से शांत रहने वाले उस गांव के हिंदुओं की शांति एक दिन उनकी कमजोरी बन गई और वो हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नपुत्रा और आप देख रहे हैं दी चौपाल। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो दरअसल एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना थी। इस घटना में हर वो चीज़ हुई जिसमें हिंदुओं की भावनाएं, उनका धर्म, उनका विश्वास, उनकी इज्जत सब कुछ लूटा गया। इस घटना से हिंदुओं ने क्या सबक लिया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हिंदू तो सहिष्णु हैं, इतना सब होने के बाद भी शांति से रहे और बदला लेने के मकसद से किसी की भी हत्याएं नहीं की, तलवार की नोक पर किसी को हिंदू बनने के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही किसी मौलाना का हिंदू देवताओं को गाली देने पर गला रेता गया। फिर भी मानसिक कुंठा के शिकार कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को अचानक से इस देश के हिंदू आतंकी नज़र आने लगते हैं और उनका समर्थन करते हुए कुछ पत्रकार हिंदुओं को भगवाधारी आतंकी तक बोलते हैं। लेकिन जब आधे चांद वाले हरे झंडे की बुलंदी के लिए भगवा कपड़े पहनकर आए तीन मुसलमान कमलेश तिवारी की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर देते हैं, तब इस गैंग की जवान को लकवा मार जाता है। MF हुसैन जब हिंदू देवियों की नंगी तस्वीरों को अपने कैनवास पर उतारते हैं तो यही सेलिब्रिटीज उसे कला बताते हैं। जब शिवलिंग पर पेशाब की जाती है तब यही लोग देश में धार्मिक सौहार्द बनाने की बातें करते हैं। हो सकता है आप लोग इन्हें कलाकार मानते हों, लेकिन मैं नहीं मानता। मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं। मैं समझ पाता हूँ इनके दोहरे चरित्र को और मैं देख सकता हूँ हिंदुओं के खिलाफ कैसे नफरत फैलाई जा रही है। मैं कमलेश तिवारी के गले को रेत कर निकले चाकू की इस धार पर खुद को रखता हूँ। मुझे एक मरता हुआ समाज दिखता है। मुझे वही खामोशी दिखती है जो एक हिंदू की हत्या के बाद अल्लाहु अकबर की गूंज के बीच में मौजूद है। इसलिए मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, लोग सो रहे हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ और पूछता हूँ कि सब कुछ खत्म हो रहा है, आखिर तुम कब उठोगे? वो मुर्दों की भाषा में बोलते हैं, जब फिर से गांव उजड़ जाएंगे, जब फिर से हमारे घरों पर कब्जा होगा, जब फिर से हमारी बेटियों को उठाकर ले जाया जाएगा, जब फिर से नालियों में हमारा अपना खून भरा होगा, जब मंदिरों के घंटे खामोश हो जाएंगे और जब जिंदगियां आखिरी सांस ले रही होंगी, तब हम उठेंगे और शांति की तलाश में फिर से चिरकालीन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। शुक्रिया।